यूपी के बुलंदशहर में एक महिला ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए एक आदमी की पिटाई कर दी। आरोपी की छेड़छाड़ करने वाला आदमी पिटाई करने वाली महिला का देवर है और आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है, इसलिए आरोपी को सबक सिखाने के लिए महिला ने बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई कर दी। अपने बेटे के साथ मिलकर महिला ने आरोपी को बीच सड़क पर घेर लिया और फिर चप्पल से उसको पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के समय आरोपी की कमीज तक फट गई, लेकिन महिला ने आरोपी को नहीं छोड़ा। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन गुस्साई महिला के आगे उनकी एक नहीं चली। आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद महिलाओं ने उसे भागने नहीं दिया और आखिर में पकड़कर उसे थाने ले गई। अमित शाह और राहुल गांधी आज मिजोरम में रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मिजोरम में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पटना में मैनहोल में गिरे 10 साल के दीपक की 3 दिन बाद भी तलाश जारी है। यूपी के एटा में बरेली के 60 वर्षीय राम सिंह अपनी 21 फीट लंबी मूंछ के लिए चर्चा का विषय बन गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में डीएम के निर्देश के बाद 5000 लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। आगरा में एक नीम के पेड़ से दूध जैसी चीज बहने पर लोगों ने पेड़ की पूजा शुरू कर दी। यूपी के कानपुर में एकादशी के मौके पर गंगा के घाट पर दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार की राजधानी पटना में जीविका योजना के तहत काम करने वाली कई कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार के गांव में गरीब तबके के लोगों को सुविधाएं देने के लिए जीविका योजना के तहत राज्य सरकार काम और पैसे देती है, लेकिन जीविका कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें उनके काम के हिसाब से कम पैसे मिलते हैं और इसी का विरोध करने के लिए हजारों महिला कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर हंगामा करने लगी। इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश कर रही महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हो गई। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अपनी मांगों से जुड़ी कई तख्तियां भी ले रखी थी, जिन्हें लेकर वो सुरक्षा कर्मियों से उलझती हुई आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत से काम करती हैं, लेकिन उन्हें सही वेतन नहीं मिलता। शौचालय भी बन रहा था, तब फिर जीविका वाली को हम ही लोग बनवाए और हम लोग का पैसा कुछ नहीं मिलता है, दिन भर मने से घूरते हैं फ्री। इस प्रदर्शन की वजह से वहां लंबा जाम भी लग गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद खुलवाया जा सका। यूपी के मऊ जिले में शराब माफिया और पुलिस वालों के बीच हुई बहस का वीडियो वायरल हो गया। दावा है कि कुछ पुलिस वाले अवैध शराब की भट्टियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्हें तोड़ने पहुंचे थे, लेकिन शराब माफिया ने पुलिस की टीम को गांव में घुसने नहीं दिया और कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस वालों को धमकी देने लगे। आरोप है कि शराब माफिया ने पुलिस वालों को उनकी भट्टी छोड़कर इलाके की ही बड़ी भट्टियों को तोड़ने को कहा। इसके बाद पुलिस वाले वहां मौजूद शराब माफिया को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पुलिस टीम का विरोध करते रहे। एक टीम वहां भी है, कुछ ना टीम है। इस हंगामे के समय शराब माफिया ने पुलिस वालों पर पैसे लेने का भी आरोप लगा दिया। हम लोगों से पैसा लेते हैं। काफी देर चली बहस के बाद शराब माफिया ने पुलिस वालों को वहां से भगा दिया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पावर बोटिंग रेस के दौरान दो पावर बोट के टकराने से हादसा हो गया, जिसकी वजह से एक बोट पानी में पलट गई। इस रेस को अबू धाबी टीम से खेल रहे अमेरिका के खिलाड़ी ने जीत लिया, लेकिन जब रेस शुरू हुई तो इसे जीतने के सबसे बड़े दावेदार फिलिप माने जा रहे थे। शुरुआती दौर में ही एक मोड़ पर उनकी पावर बोट बेकाबू होकर साथ दौड़ रही बोट से टकरा गई और पलट गई। इस रेस के दौरान बीच बीच में तमाम बड़े नाम बाहर होते गए। रेस से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में खिताब बचाने के लिए उतरे एलेक्स करेला भी थे, जिनकी बोट में गड़बड़ी आ गई। टीम अमरावती के जॉनस एंडरसन से आंध्र प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 33वें राउंड में वो भी बाहर हो गए। इसके बाद टीम अबू धाबी के शॉन थोरेंचे को कोई और चुनौती नहीं दे पाया। इस रेस के 44वें चक्कर को उन्होंने महज 2.17 सेकंड में पूरा कर लिया और खिताब पर कब्जा कर लिया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। मैं हूं किशोर रजवाणी, आज की ताजा खबर जारी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में गांव में सुरक्षा बल ने दो आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक पैरा कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के जवाब में पेश किए गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के जवाबों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे और आखिरी दौर के विधानसभा चुनाव में 72 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
दिल्ली में कारोबारियों के बीच बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिशें और नीतियों से भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हुआ। सोनिया गांधी ने नाम लिए बगैर पीएम मोदी की तुलना मनमोहन सिंह से करते हुए कहा कि कुछ लोग काम करते हैं और कुछ सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यूपी के अलावा विपक्ष के गठबंधन का कहीं असर नहीं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के बहकावे में आए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा। न्यूज 18 के मंच पर कमलनाथ ने कहा कि राहुल एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाए तो भी खुशी की बात, हम मिलकर साथ काम करेंगे। 1984 के सिख दंगों के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज दोषी नरेश सहरावत और यशपाल सिंह के खिलाफ सजा का ऐलान कर सकती है। यूपी के मऊ में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अवैध शराब भट्टी को तोड़ने गई पुलिस टीम को शराब माफिया के गुंडे गाली देकर भगाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिकी मदद रोकने की डोनाल्ड ट्रंप की दलील पर भड़के इमरान खान ने ताबड़तोड़ 3 ट्वीट करके दावा किया कि अमेरिका की जंग की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर कटासराज का तालाब सूखने के मामले में एक सीमेंट कंपनी को दोषी मानते हुए 10 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिए।